हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनका सिलेक्शन इस बात पे बेस्ड है कि पिछले कुछ ईयर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दी हुई है जो कि ऑन द सेट आर, यानी कि रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हमें इसमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है और कब रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन नहीं होती है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी भी रिलेशन को, जर्नली मान लीजिए वो किसी सेट ए में डिफाइंड है, सेट ए पे, तो ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट जिस सेट में डिफाइंड रिलेशन उसमें बिलोंग करता है तो ए कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस सेट में डिफाइंड रिलेशन वो क्या है, वो है रियल नंबर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है, ये जर्नली बात की जा रही है इस क्वेश्चन के लिए किस सेट में डिफाइंड रिलेशन आर में। तो अगर हमें इसे प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमें रियल नंबर से बिलोंग करने वाला कोई एक नंबर बस सर्च करना है ऐसा जो इस बात को फॉलो नहीं करता। अगर हमने ये दिखा दिया तो हमने मतलब ये शो कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, लेकिन अब यहाँ पर रिलेशन थी ए लेस देन बी का होल स्क्वायर, दोनों एलिमेंट हमें सेम लेने हैं ए, तो मतलब 1/2 लिया, ए की जगह भी 1/2, बी की जगह भी 1/2। अब आप जानते हैं कि जो 1/2 है वो लेस देन इक्वल टू नहीं होता है 1/2 के होल स्क्वायर के, तो मतलब जो मैंने लिखा है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिखना इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। 1/4 कहाँ से आया? 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 जो था वो तो रियल नंबर्स को बिलोंग करता था, लेकिन 1/2, 1/2 रिलेशन को बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे इस आर का मतलब है रियल नंबर्स और ये आर क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें दोनों आर सेम हो गए, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होना। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव नहीं है ये प्रूफ किया। अब बात करते हैं कि इसको हम ये कैसे प्रूफ करें कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखिए, किसी भी रिलेशन को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, अगर रिलेशन में a1, a2 बिलोंग करते हैं तो a2, a1 भी बिलोंग करने चाहिए उसी रिलेशन में। ठीक है, तो अगर हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर से हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना होगा जो इस बात को फॉलो नहीं करते इस क्वेश्चन के लिए, तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन थी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहां से -1, 3 रिलेशन को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो -1 है, ठीक है, इसकी ए की जगह हम ले रहे हैं -1, बी की जगह 3, जो -1 है वो लेस देन इक्वल टू होता है 3 के स्क्वायर से, ये तो ट्रू है। ठीक है, -1 < 3 स्क्वायर इज ट्रू। बट अगर हम इसका उल्टा करें, जैसे कि यहाँ पर a1 पहले था, a2 बाद में था, यहाँ पर a2 पहले a1 बाद में, इसी तरह से -1 पहले 3 बाद में, यहाँ पर 3 पहले -1 बाद में लिखे हम, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, कैसे? 3² < -1 ये क्या हो गया, गलत हो गया, इट इज नॉट ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि -1, 3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, लेकिन 3, -1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मतलब a, b रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ये इंप्लाई नहीं करते कि b, a भी रिलेशन में है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है, देखिए a1, a2 अगर रिलेशन को बिलोंग करता है और a2, a3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देखो खास बात क्या है, ये a2 पे खत्म हो रहा है और ये जो है a2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड चीज होनी चाहिए, ये दोनों मिलके इम्प्लाई करने चाहिए, इसका शुरू वाला और इसका आखिरी वाला, यानी a1, a3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो फिर से आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2, -3 रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है -3 के स्क्वायर से। ठीक है, और ये कहाँ पे खत्म हुआ, -3 पे। तो एक और एग्जांपल, जिस जो -3 से शुरू होता है, तो -3, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि जो -3 है वो लेस देन इक्वल टू 1 के स्क्वायर से। लेकिन इसका जो 2 है, 2, यहाँ पे किस पे खत्म हो रहा है, 1 पे, तो 2, 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू नहीं होता है 1 के स्क्वायर से। ठीक है, तो चाहे आप इसे कट लगाएं या फिर आप लिख दो नॉट ट्रू, ऐसा लिखना सही नहीं है।
तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अब हम देख सकते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, लेकिन ए कोमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऊपर के तीनों केसेस हम देख सकते हैं। सो फ्रॉम द ऑल अबो थ्री केसेस वी कैन से दैट द रिलेशन इज नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल यही नहीं आएगा तो इस टाइप का आ सकता है, थोड़ी सी वैल्यूज बस चेंज कर देंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे बोला गया लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। प्रूव दैट द रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई किसको बिलोंग करते हैं? आर को। आर यहाँ पे रियल नंबर नहीं, रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। और x माइनस वाई क्या है? x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिलेशन हमें गिवन है इसको हमें दिखाना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे इसमें? कि ये रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद ये सिमेट्रिक है, उसके बाद ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होता है? कोई भी सेट ए है जिसपे रिलेशन डिफाइंड है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो ए कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन किस पे डिफाइंड है? इंटीजर्स पे। तो मतलब यहाँ पर जो ए है उसको आप समझोगे जेड अप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट लो आप, ठीक है, ए ले लो जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर हमें ए कोमा ए चाहिए तो मतलब एक्स की जगह भी ए और वाई की जगह भी ए, यानी एक्स माइनस वाई है, ये हमें दिखाना, ये रिलेशन थी हमारी। तो हमने x की जगह a और y की जगह भी a पुट कर दिया। a माइनस है कितना आया? जीरो। तो आप जानते हैं जीरो होगा वो, n से तो डिविजिबल होगा ही, ठीक है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर। तो n जो है स्मॉल n वो बिलोंग करता है कैपिटल n यानी कि नेचुरल नंबर से। तो a माइनस a क्या हो गया? डिविजिबल बाई हो गया n से, ठीक है। अगर जो a है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को, तो ये इंप्लाई हो गया कि a कोमा a भी रिलेशन में हैंगे, क्योंकि आप जो भी a लोगे तो a माइनस a हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। और जब वो जीरो आएगा तो जीरो जो होगा एन से डिविजिबल होगा ही, तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है, इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक कब होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया, मान लीजिए कि अगर ए कोमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इस तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी कोमा ए भी रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि ये हमें गिवन है, इससे हमें ये लाना होता है कि ये इंप्लाई करता है। तो मान लेते हैं कि ए कोमा बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। अब देखिए अगर ये बिलोंग करता है तो डेफिनेशन क्या थी? कि एक्स माइनस वाई जो है ये डिविजिबल बाई है एन से, ठीक है। तो अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब यही हुआ कि ए माइनस बी जो है वो एन से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर ये एन से डिविजिबल है तो ये एन इंटू में कोई एक नंबर, ठीक है, जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है उसके मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो है 15 को हम किसी नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर p की जगह क्या जाएगा? 5, 3 जा 15। तो वही मैंने भी लिखा है कि अगर a माइनस बी जो था वो n से डिविजिबल था, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू पी। जैसे 15 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू पी यानी कि 5 लिखा जा सकता है। ऐसे पी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हो गया a माइनस बी इक्वल टू एन पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए बनाना चाहते हैं, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस एन पी। तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया? n ब्रैकेट के अंदर माइनस पी, मतलब इसका एक फैक्टर फिर से n आ रहा है। तो मतलब b माइनस ए भी क्या है? डिविजिबल है n से। तो देखिए यहाँ पर a कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा था और बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करेगा कि बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये क्या है? ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं कि इसको हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, हम कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है? अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को एंड यहाँ से बी पे खत्म हुआ, तो बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि इसका शुरू का यानी ए और इसका लास्ट का यानी सी, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है। बस यही चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, तीन इंटीजर्स हैं, मतलब ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, सच दैट ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है, मान लीजिए, ठीक है, और ये हमें लाना होता है इस केस में। तो हम क्या करेंगे? अगर a कोमा b रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन क्या थी? x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। तो इसका मतलब है कि a माइनस b डिविजिबल हो जाता है n से।
तो अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं n इंटू पी, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरह से अगर b कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हमारे पास होएगा b माइनस सी इज इक्वल टू एन क्यू, माइनस क्यू हो जा रहा है क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ये माइनस होना, ठीक है। तो b माइनस सी भी एन क्यू हो गया, ये हो गया हमारी सेकंड। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो, राइट हैंड साइड में क्या ऐड होगा, एन पी और एन क्यू, तो एन पी प्लस एन क्यू हो गया। तो यहाँ से a माइनस बी ब्रैकेट हटा हुआ प्लस प्लस, यहाँ कुछ इन पर प्लस है, प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा तो एन कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी से कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, और यहां पर n कॉमन आ चुका है, p प्लस क्यू अंदर बचा है। फिर से आप देख लो n एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो a माइनस सी है वो भी n से डिविजिबल है। तो अगर ये दोनों डिविजिबल थे तो इन्होंने इंप्लाई करा कि a और c भी डिविजिबल है, मतलब ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं तो a और c भी बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो ये इंप्लाई करेगा ही करेगा कि a और c भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। और ऊपर के तीनों केसेस से हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एक रिलेशन गिवन है जो कि सेट ए पे डिफाइंड है। ए आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। रिलेशन कैसे हमें बताई गई है, रिलेशन में बताई गई है a कोमा b सच दैट मोड a माइनस बी इज इवन नंबर। हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट था। फिर आगे हमसे बोला गया है कि इसके बाद हमें शो करना है कि जो इसका एक सबसेट है 1, 3 एंड 5, इसके सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी तरह से इसका जो एक और सबसेट है 2, 4, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, जो रिलेशन है वो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है ए पे, तो कोई भी एलिमेंट ए ले लिया मैंने जो कि ए को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है मोड ए माइनस ए हमेशा कितना आएगा, 0, और 0 हमेशा कितना होता है, एक इवन नंबर। मतलब जितने भी एलिमेंट ए सेट में हैंगे उनके लिए a माइनस ए 0 आता है, और 0 एक इवन नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए, अब हमें प्रूफ करना है इसको सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करोगे, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट a एंड b जो है वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है जो रिलेशन की डेफिनेशन थी कि मोड a माइनस b जो है, मोड a माइनस b वो इवन नंबर है, तो अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि मोड a माइनस b क्या है, इवन नंबर है। तो अगर a माइनस बी इवन है तो इससे हमें पता लग जाता है कि b माइनस ए भी इवन ही होगा, ठीक है, क्योंकि a में से b घटाओ या b में से a अगर मोड लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं आएगा इनके आंसर्स में, ठीक है। तो यानी ये भी इवन होगा। तो अगर a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ये इंप्लाई करता है कि b कोमा a भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो जो रिलेशन होगी वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप मान लो a कोमा b रिलेशन को बिलोंग करते हैं एंड b कोमा c भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि a माइनस b क्या है, एक इवन है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इवन आता है तभी तो ये बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर b कोमा c रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे तो मोड b माइनस c भी एक इवन नंबर आया होगा, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट आइदर a एंड b बोथ आर इवन और बोथ आर ओड, या तो a और b दोनों ही इवन है या फिर a और b दोनों ही ओड है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दो नंबर इवन है, ठीक है, तभी उनको सब्ट्रैक्ट करके इवन नंबर आएगा, या फिर दोनों ही नंबर ऑड होने चाहिए तभी उनको सब्ट्रैक्ट करके ऑड आएगा। एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि या तो ए बी दोनों ही इवन है, या फिर ए और बी दोनों ही ऑड है। इसी तरह से या तो बी और सी दोनों ही इवन है, या बी और सी दोनों ही ऑड है। तो यहां से हमारे पास दो केस बन जाते हैं, ठीक है, या तो बी जो है वो इवन रहा होगा दूसरा केस, या जो बी जो है वो ओड रहा होगा। अब हमने बात बी से ही केस क्यों बनाए, ए और सी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि बी जो है वो दोनों में है, आप देख सकते हो ए बी में भी और बी सी में भी। तो यहां से अगर बी जो भी होगा वही ए होगा वही सी होगा, ठीक है, यानी बी से ही सारा फर्क पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे बी को ओड कर दोगे तो ए बी ओड हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग करता है तो दोनों एक ही चीज होंगी, ठीक है, या तो ओड या तो इवन, और बी दोनों में है। तो हम जो केस बना रहे हैं वो बी से बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं पहले केस की, जब b क्या है, b इवन है। तो अगर
ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब मोड ए माइनस बी इवन है और मोड बी माइनस सी भी इवन है। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी इवन हो। क्यों? क्योंकि बी इवन है तो दोनों को एक ही चीज होना चाहिए, या तो इवन या तो बी इवन है तो ए बी इवन होगा, और इसी तरह से बी इवन है तो सी क्या होगा, सी बी इवन होगा। ठीक है, तो सी बी इवन हो गया, तो यानी ए बी इवन है सी बी इवन है, तो जाहिर सी बात है ए माइनस सी क्या होगा, वो भी एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि आप दो इवन नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो इवन ही आता है, तो यानी कि ए माइनस सी का मोड भी इवन है, तो ए और सी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है, जब बी ऑड हो जाए। ठीक है, तो बी अगर ऑड होगा तो हम कह सकते हैं कि बी के ऑड होने से ए को भी ऑड होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑड होंगे तभी उनका डिफरेंस इवन नंबर आ सकता है। ठीक है, दो ऑड नंबर का भी डिफरेंस इवन आता है, आपको याद रखना है ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, तो अगर बी ऑड था तो ए को भी ऑड होना पड़ेगा, इसी तरह से अगर बी ऑड है तो सी को भी ऑड होना पड़ेगा तभी इवन आएगा, यानी बी और ए, ठीक है, यहां पर ऑड हो गए और यहां पर बी और सी ऑड हो गए, मतलब ए और सी दोनों क्या है, ऑड है, तो ए माइनस सी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा और ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो ऊपर के तीनों केसों से ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी है, यानी कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए इसका एक और पार्ट रहता है, इसमें हमसे बोला गया था कि ये शो करो कि जो एक इसका सबसेट था 1, 3, 5, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, तो यानी कि इससे आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, ओड होंगे, और ओड माइनस ओड हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करेंगे। इसी तरह से यहां पर अगर आप जो दूसरा सबसेट इसका बोला गया था 2, 4, इन दोनों को लोगे तो दोनों के दोनों इवन है, यानी कि इवन माइनस इवन क्या आएगा, इवन ही आएगा, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट आपस में हमेशा रिलेटेड होंगे तो रिलेशन को बिलोंग करेंगे। लेकिन कोई भी एक एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर एक इससे लोगे आप, एक इससे लोगे, तो जो एक ऑड हो जाएगा एक इवन हो जाएगा, तो उनको सेपरेट करके आपको इवन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कोई भी इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो ये थे मेन तीन क्वेश्चंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौथा और पांचवा। अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, ये आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपसे सोल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं सोल्व होते हैं तो लिंक इनके सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और बाकी जो तीन क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उनको भी अगर आप रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिए, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लिंक से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।